ओम शांति। जो लोग हमारे लिए अच्छा बोलते, हमें सहयोग करते, अप्रिशिएट करते, हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन्हें मदद करते हैं। और जो लोग जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, गलत बोला, गलत सोच रहे, उनके लिए हम क्या सोचते हैं? अशुभ, नेगेटिव। अभी है तो वही एक मन ना, जिससे हम एक के लिए शुभ सोच रहे और दूसरे के लिए अशुभ, तो फिर हमारे गुड विशेष में ताकत कैसी रहेंगे? हमारी दुआओं में ताकत कैसे आएंगे? अगर सोचो जिसने हमारे साथ गलत किया, क्या हम चाहते हैं वो वैसे ही हमारे साथ वैसा ही रिश्ता बनाकर रखे, या वो रिश्ता हमारा अच्छा हो जाए? तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आज से एक काम करें, उनके लिए विशेष हम शुभ भावना देना शुरू करें। कैसे? विशेष अटेंशन देकर रोज उनके लिए शुभ भावना देना शुरू करें। अटेंशन देकर कौन सी शुभ भावना? ये मेरा बहुत अच्छा स्नेह वाला रिश्ता है, उनका सब कुछ अच्छा हो जाए, वो जीवन में आगे बढ़े, उन्हें सद्बुद्धि मिले, उनको मन की शांति मिले, हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे रिश्ते में प्यार है, शुभ भावना है। ऐसी शुभ भावना, ऐसी गुड विशेष अगर हम रोज उनके लिए दिन में 2-3 बार, स्पेशली मॉर्निंग, इवनिंग और दिन में जब भी आप चाहो करना शुरू कर देंगे, तो हमारी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस उन्हें बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सामने वाले के मन में हमारे लिए जो नेगेटिव फीलिंग है ना, उसकी पावर कम कम होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे हमारे रिश्ते सुंदर स्नेहमय हो जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, जितना हम शुभ सोचते हैं ना, उसका तो सबसे पहला इफेक्ट हमें मिलता है, सबसे पहला उसका परिणाम हमारे मन पर, दूसरा शरीर पर, रिश्ते पर और सारे आसपास के वातावरण पर होता है। तो फिर क्यों नहीं हम उनके लिए भी शुभ सोचना आज से शुरू करें? चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिनके साथ आज आपकी पट्टी नहीं है, रिश्ते में कटुता है, आप उनसे मिलेंगे या फिर एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव SMS भेज देंगे, या किसी के साथ उनके बारे में कोई अच्छी बात करेंगे, और इससे क्या होगा, उन्हें परिवर्तन करने में हम उन्हें एक ताकत भेजेंगे, एक शक्ति भेजेंगे, और जिससे उनके अंदर की अच्छाई जागृत हो जाएगी। करें एक्सपेरिमेंट। ऑल द बेस्ट। हैप्पी डे।